होने वाली सी एम प्राची गाइज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे

गाइस पहले मैं आपको ना मेरे फॉर्मूला चार्ट से आपको पहले करवाती हूँ क्वेश्चंस थोड़े मतलब आपको थोड़ा यूज्ड टू कराती हूं टर्म्स से सो दैट गाइस आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी देन गाइस अपन स्टडी मैट के क्वेश्चंस देखेंगे ठीक है पहले मैं आपको सब टर्म्स का एक बार मतलब समझा देती हूं तो देखते चलो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताती हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है तो देखो गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट हमारे बिजनेस ऑपरेशन से मतलब मैम क्या बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा है गाइस देखो जैसे कि हर बिजनेस का कुछ ना कुछ काम होता है आप एग्जांपल ले लो बिस्किट का अगर आपको बिस्किट बनाना है तो गाइस बिस्किट बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल रहेगा तो बिस्किट बनाना जो बिस्किट बन के निकल रहे हैं तो ये जो, जो बिस्किट है ये आपका बिस्किट बनाने के लिए जैसे आपको मैदा लगा आटा लगा पानी लगा तेल लगा नमक लगा फ्लेवर लगे वो जो जो लगता है वो सब का आप मशीन में डाल रहे हो एंड देन बिस्किट बन के निकल रही है तो गाइस ये जो बनने का प्रोसेस है ये आपका ऑपरेशन हुआ तो गाइस ये इस इस ऑपरेशन से जो आपको प्रॉफिट इनकर्ड हो रहा है वो प्रॉफिट को अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं ठीक है अपन यहाँ से भी आपको बता देती है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेशन

Guys, ये अपना क्वेश्चन में सब काम आने वाला है बोलोगे मैम आप बता दो दी कैसे निकालते हैं क्या निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट इसको कंप्यूट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जैसे कि गाइज देखो आपको नेट सेल्स लिखना रहेगा सबसे पहले नेट सेल्स क्या होगा मैम नेट सेल्स बता देती हूँ पहले तो गई देखो नेट सेल्स क्या होता है नेट सेल्स का मतलब होता है आपने जो भी सेल करी है तो गई हमेशा याद हाँ रखना जैसे आप अमेजोन से सामान मंगाते हो ठीक है तो आप जब अमेजोन से सामान मंगा रहे हो तो जरूरी नहीं ना कि आपने मंगाया तो आप रखोगे ही नहीं पसंद आया तो वापस करने की रिटर्न पॉलिसीज रहती है अपन रिटर्न कर देते हैं ठीक है गाइस तो रिटर्न करने का ऑप्शन रहता है तो देखो हम लोग का जो ग्रॉस सेल हुआ है उसमें से अपन रिटर्न माइनस कर देंगे जो भी आपने सामान मंगाया था वो आपको नहीं पसंद आया तो आप वापस कर दिए वापस कर दिए तो उसको हटा दो फिर कुछ कुछ अलाउंस रहते हैं डिस्काउंट्स रहते हैं वो सारी चीज को भी हटाना है तो आपका जो सेल्स आएगा उसको बोलते हैं अपन नेट सेल्स ठीक है तो अपन वापस चलते हैं में तो नेट सेल्स में से आपको माइनस करना है क्या क्या माइनस करोगे जो भी खर्चा है सेल्स के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है सेल करने के लिए यूनिट बना है उसका जो कॉस्ट लगा है, उसको लेना है ठीक है डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट हमेशा हटाना याद रखना ठीक

ठीक है गाइस तो आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा आपको ठीक है गाइस आगे बैठते हैं वन आगे गाइस आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैल्यूडेशन क्या होता है तो आपको तो पता ही नहीं रहेगा वैल्यूडेशन क्या होता है तो क्या बताओगे देखो गाइस मैं आपको समझाती हूँ कहानी से एक बार क्या होता है कि ना एक बॉस रहता है ओनर रहता है वो ना जाता रहता है कोट मस्त ऐसे कोट पहने रहता है ब्लैक कलर का पैंट पहने वाइट शर्ट टाई और मस्त हेयर रहते हैं उसके सुंदर से और ऐसे जाते रहता है मस्त और उसके दोनों जेब में ना बहुत मोटा मोटा कुछ लगता है और मस्त ऐसे ना हाँ सर बहुत फैटी फैटी सा लगता है उसके जेब पॉकेट पॉइंट पास ठीक है तो उसका एम्प्लॉय खड़ा रहता है देखता है कि बॉस आ रहे हैं वो बोलता है बॉस आप काफी खुश लग रहे हो तो बोलते हैं हाँ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ऐसा करके बहुत ज्यादा खुश खुश दिखता है वो तो फिर उसको बोलता है कि सर आप इतने खुश क्यों हैं तो फिर बोलता है तुमको तुम देखो मेरे मेरे पॉकेट में कुछ नहीं लग रहा तुमको ऑट सा तो तो सर लग रहा है था, था तुम्हें पता है सारे पैसे भरे नोट नोट से भरे मेरे पॉकेट्स नोट नोट सर इतने सारे पैसे से आपके पास तुमको पता है जितना भी प्रोडक्ट हमारी मैनुफैक्चरिंग हुई थी ना सारा सेल कर दिया मैंने और फिर सेल करने के बाद जो भी आया ना वो सारे पैसे पता है यार मैं बहुत खुश खुशी सारी सेल हो गई पूरे प्रोडक्ट सेल हो गए तो वो बहुत रोने लग जाता है एकदम सर रो रो तो पागल हो गया तुम इतनी खुशी की बात और तुम रो बोलते हैं सर हाँ सर हाँ क्या हुआ वो वो प्रोडक्ट किसने बनाए थे तो बॉस बोलता है तुमने सर उसमें मेहनत किसने की थी तो बोलता है तुमने सर तो वो पैसे किसके हुए तो बॉस बोलता है हैं क्या तो है। सब मेरे हुए ना <ईकिवस> तो बॉस बोलता है अरे अच्छा तुम बताओ ये लैंड किसका है सर आपका है ये मशीनरी किसने ला दी तुमको सर आपने ला दी ये यहाँ का रेंट इलेक्ट्रिसिटी आदर जितने भी खर्चा आते हैं वो सब कौन पे करता है सर आप पे करते हो तो फिर किसका हुआ ये पैसा नहीं 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 ऐसे थोड़ी ना होता है सर मेहनत मैंने की पैसे तो मेरे हैं तो सर सर इज लाइक ठीक है वैल्यू मतलब इसी में हमारा एडिशन का आता है मतलब गाइस जैसे मैं आपको समझाना चाहती इस कहानी के थ्रू आपको कि जैसे कोई भी काम जो अपना इम्प्लॉय किया लेबर किया तो हर काम मतलब उसने अपनी मतलब हो गया ठीक है बाकी की जितने भी अदर एक्सपेंसेस है जैसे मैंने आपको गिना है वो सारे एक्सपेंसेस भी रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती वाटर नहीं रहता लैंड नहीं रहता रेंट नहीं लगता ये सब अगर नहीं लगता तो क्या वो इम्प्लॉय बना पाता सामान

ठीक है और भी आएंगे क्लेम करते इनका नाम है क्लेमिस्ट ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पैसा हमको मिलने चाहिए आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे गाइस आगे ही स्लाइड पे है ठीक है ये देखो गाइस यहाँ पर है इम्प्लॉय को अपन को सैलरी और वेजेस देना पड़ता है बोनस ग्रेचुटी देना पड़ता है उनके वर्क के लिए डायरेक्टर को उनकी सैलरी देनी पड़ती है स्टेक होल्डर को उनका डिविडेंड देना रहता है कंपनी अपने लिए रिटेन अर्निंग बचाती है गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है और जो लोग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है ठीक है गाइस तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि गाइस इन लोगों के वजह से आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एड हुई है ठीक है अगर ये लोग नहीं होते तो आपके प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू एड नहीं हो पाती तो गाइस इन लोग वैल्यू एडिशन करते तो हमको उसी का कैलकुलेशन करना रहता है कि जो हमारे पास था और जो हमारे पास अब है इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू एड हुई ये कॉन्सेप्ट है गाइस इसी का कैलकुलेशन सिखाते हैं हमको ठीक है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ठीक है देखते कैसे निकालते हैं

जो सर्विसेज लाइक लेबर साफ सर्विसेज ले रहे हो पावर जो आपने लगाया था फ्यूल जो लगाया था ये सब चीज को माइनस करना ओवरहेड जितने भी थे ये सब चीज को माइनस करना तो आपका वैल्यू एडिशन आ जाएगा या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कैसे करोगे सेल्स को लिखना सेल्स का अमाउंट इन सब को एड करना ऐड करने के बाद डायरेक्ट माइनस करना फाइनल कॉलम में आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू एडिशन का होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट समझ में आना सीस करते ही सब आ ही जाता है समझ में ठीक है आगे बढ़े आगे गाइस आपको अर्निंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गाइस ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट रहता है जैसे कि क्वेश्चन आता है ना वैलुडेशन का तो सब पूछता है कि अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें गाइस तो देखो टोटल कॉस्ट आपको कैसे निकालना रहेगा एक तो वैल्युडेशन निकाल चुके हो ना आप उसके बाद आपको अदर इनकम भी उसमें ऐड करना रहता है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्वेल्व मार्क्स का क्वेश्चन तक आता है एग्जाम में इससे तो गाइस अच्छे से समझो आप बहुत इजी रहता है रखा कुछ नहीं रहता बस गलती हो जाती है होनी होती है तो ठीक है तो वैल्यूएडिशन में अपन क्या ऐड करेंगे अदर इनकम अदर इनकम ऐड करोगे उसके गाइस आपको क्या करना रहेगा सारी अदर इनकम में जो भी इनकम क्वेश्चन में गिवन रहेगी अगर देना होगा तो आपका वैल्यूडेशन आया उसमें आपको क्या ऐड करना है अदर इनकम ऐड करना तो टोटल इनकम आ जाएगी टोटल इनकम में से ना इनको बांट देना मतलब इनको दे देना समझ लो एक हजार आपका आया वैल्युडेशन एक हजार और पांच सौ आपका अदर इनकम है टोटल आपका कितना आया फॉर इजी पर्पज अपन इस अमाउंट को ना थोड़ा ऐसा ले लेते हैं अदर इनकम मान थ्री आगे तो थ्री थाउजेंड गया अपना टोटल तो गाइज जो थ्री थाउजेंड हमारा टोटल आया ना ये अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा जो हमको क्लेम कर रहे हैं कौन क्लेम करेगा इंप्लॉय आके खड़े हो जाएगा सर हमारे पैसे दो तो इंप्लॉय को देना शेयर होल्डर को कंपनी को डायरेक्टर को गवर्नमेंट को प्रोवाइडर को इन सबको देने के बाद गाइज ये अमाउंट हमेशा याद रखना जीरो हो जाता है लिखते जीरो नहीं है एग्जाम में बट आंसर जीरो ही आएगा क्योंकि आप दिमाग लगाओ ना रिटेन अर्निंग भी तो रख रहे हो ना आप ये देखो कंपनी रिटेन रख रही मतलब इनको बांटने का जो तो 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 मतलब खत्म हो गया ठीक है तो गाइज ऐसे बनाते हैं इसके क्वेश्चन आई होप आपको समझ गया कि कैसे चेक करते हैं आंसर को कैसे बनाते हैं सब कुछ एकदम क्लियर होते जा रहा होगा नेट सेल्स बता दिया गाइज मैंने आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन क्या होता है तो गाइस वो भी आना चाहिए तो वो बता देती हूँ देखो इसका फुल फॉर्म तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने लिखा है ठीक है इसमें आपको क्या करना है नेट इनकम जो भी आएगी आपकी याद रखना नेट इनकम कैसे निकालते हैं वैल्यू एडिशन प्लस अदर इनकम जो रहती है ठीक है तो आपका आ जाएगा नेट इनकम उसमें आपको टैक्स ऐड करना है इंटरेस्ट ऐड करना है एंड एमोटाइजेशन ऐड करना है क्यों कर रहे हैं क्योंकि इतनी देर से अपन नहीं कर रहे थे अभी करना पड़ेगा ठीक कर तो है ये सब एड करोगे तो अपना आ जाएगा नेक्स्ट का ये सब अपना रिकंसुलेशन स्टेटमेंट है अभी बताती हूँ मैं रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे करेंगे बताती हूँ देखो

आपको कॉस्ट तक लेके आना तो आप क्या करोगे माइनस yeah. तो माइनस कर देना ठीक है गाइस देन आप देखो ट्रांसपोर्टेशन uh, सब्सिडी मिली तो गाइस ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी मिली अपन को तो किस में मिली होगी फाइनेंस में मिली होगी ठीक है फाइनेंस में मिली सब्सिडी तो उसके कारण हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा सब्सिडी मतलब क्या हुआ हमारी कॉस्ट कम हो गई कॉस्ट कम हुई तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो गया होगा अब अपन को फिर से कम करना तो क्या करोगे माइनस ठीक है अब देखो लिटिगेशन रिकवरी हम लोगों को कुछ लिटिगेशन रिकवरी हुई मतलब हमारे पास पैसे आए पैसे आते तो प्रॉफिट बढ़ जाता है फिर फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया अब उसको फिर से कम करना पड़ेगा ठीक है फिर क्या टैक्स रिफंड आपने कुछ परचेज किया था और वो जो टैक्स था उसका रिफंड आया आपके पास तो टैक्स था एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का वापसी आना मतलब इनकम हुई है इनकम आने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया था अब वो इनकम कम हो रही है मतलब आपको कॉस्ट तक लाना है ना ये आपका फाइनेंस था अब तक लाना है, तो क्या करोगे कम करोगे तो माइनस डिफरेंस रहता है असलियत में होता नहीं बट अपन कर डाले फाइनेंस में कर डाले उसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हुई होगी कम कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया ज्यादा जब प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो अब अपन कॉस्ट तक लाना है उसको तो क्या करोगे कम माइनस ठीक है देन देखते ऑन हमेशा फाइनेंस में होते कोई खर्चा आपने फाइनेंस में किया बट कॉस्ट में नहीं किया जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था मतलब फाइनेंस में आपने खर्चा किया तो प्रॉफिट कम हो गया और कॉस्ट में तो ज्यादा है तो आपको कॉस्ट तक लाना है तो क्या करोगे ऐड ठीक है देन क्या पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट कोई आपने मेडिकल ग्रांट दी थी गाइस खर्चा हुआ आपका फाइनेंस में आपका खर्चा हुआ तो आपका प्रॉफिट कम हो गया खर्च होने की वजह से आपको बराबर करना है दोनों को तो क्या करोगे एड ठीक है पूरा 100 crystal clear हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो गाइस लाइक कीजिए बहुत अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कीजिए और गाइस अब अपन चलो चलते हैं आ जाएंगे स्टडी मैट के क्वेश्चन डिस्कस करने ठीक है तो चलो गाइज हम लोग डिस्कस करते हैं स्टडी मैट के क्वेश्चन तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है तो गाइस एबीसी लिमिटेड का क्वेश्चन है जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा बताओ गाइस मैंने क्या बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपको जस्ट अभी समझाया मैंने क्या था नेट सेल्स में से सारे खर्चे को माइनस करना है एक्सेप्ट इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस ठीक है और वैल्यूडेशन का फॉर्मूला क्या बताया था गाइस वैल्यूडेशन में क्या करना है सारे अपने जो क्लेमिस्ट रहते हैं उनको पेमेंट करना है था जो भी वैल्यूएड रहता है आउटपुट और इनपुट के बीच का डिफरेंस रहता है उसको लेते हैं नेट सेल्स का मतलब क्या था सारे सेल्स में से अपन को अलाउंस और क्या माइनस करना है रिटर्न डिस्काउंट्स ठीक है आई होप गाइस आपको क्लियर रहेगा कि कैसे निकालना है अपन को नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है वैल्यूडेशन निकालना है और बस परसेंटेज परसेंटेज करके आंसर निकालना है सो ईजी केक वर्क चलो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो देखो गाइस मैं आपको ना यहीं से एक्सप्लेन कर देती हूँ तो बेटर रहेगा ठीक है मैंने आपको बताया ना नेट सेल्स लेना तो देखो नेट सेल्स लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है नेट सेल्स ठीक है इसको लेके ए मार्क कर दिए अब अपन को इसके खर्चे चाहिए तो बी मार्क करेंगे ठीक है तो इसको लेंगे एक दो तीन चार इसको नहीं लेना ठीक है फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है ओ OH एच लेना है रेट लेना है ठीक है रेट्स ओ एच लेना है लेना है लेना है इंटरेस्ट नहीं लेना है बोनस ग्रेचुटी लेट मी चेक क्या क्या लेना है परफेक्ट गाइस देखो बोनस ग्रेचुटी भी लेना है देखो ठीक है लेंगे असैस तो नहीं लेते कहीं इस लाइवलिटी भी नहीं लेते ठीक है डेप्रिसिएशन नहीं लेते सैलरी वेजेस लेना है सैलरी वेजेस लेना है डेप्रिसिएशन नहीं लेना है सैलरी वेजेस लेना है तो कहीं आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ को आपको ना बी नाम देना है यहाँ से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बी पार्ट देना और फिर ए ए माइनस बी करोगे ना तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा निकल के ठीक है क्या क्या नहीं लेना है सिर्फ मैं रेड पे मार्क कर देती हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसी नहीं लेना है डेप्रीसी नहीं लेना है और वाह डेप्रीसी नहीं लेना है बाकी सब तो गाइस अपन को लेना ही है ठीक है और ये अपना असेट्स है ये सब तो वैसे भी पार्ट नहीं होता पीएल का तो गाइस वो पीएल का पार्ट ही नहीं होता तो क्यों लेंगे ठीक है तो आई होप गाइस ये नॉन कैश एक्सपेंसेस जिसका नाम डेप्रिसिएशन है उसको नहीं लेना है क्लियर होगा आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस वन सेकंड लेट मी चेक वंस ऐड करते चलो साथ में एक बार अपन तो ठीक रहेगा स्पेस कम हो जा रही है हाँ परफेक्ट है परफेक्ट चलो मेरे साथ आप लोग भी करना है हाँ? तो चलो गाइस पहले अपन ना मार्क कर लेते कि कौन कौन सी क्वेश्चंस में मतलब आ, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी सो दैट गाइस अपने लिए इजी होगा पढ़ने के लिए ठीक है तो गाइज देखो जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है ना Depreciation. ये नहीं होगा Depreciation इसका भी नहीं होगा डेप्रीसिएशन ही नहीं है इसमें नहीं होगा ये वाला ठीक है और इसमें से ये सब नहीं आएगा जैसे कि इंटरेस्ट नहीं आएगा असट्स नहीं आएगा है ना लाइबिलिटीज नहीं आएंगी

माइनस करेंगे अपन फाइव माइनस वन माइनस सिक्स माइनस टेन माइनस टू माइनस वन सिक्सटी टू माइनस करेंगे अपन सेवन सिक्स वन ट्वेंटी फोर ठीक है देन माइनस करेंगे अपन ट्वेल्व और टू जीरो नाइन आ रहा है गाइस कुछ तो गड़बड़ हो गई अपनी एक बार चेक कर लेते क्या गड़बड़ है यहाँ से चेक हो जाएगा शायद हाँ। देखो अपन चेक करते हैं हाँ बुक से अपन ने लास्ट में टू माइनस किया है टू किस चीज़ का था देखो गाइस ऐसे ऐसे मिस्टेक किया मैंने टू नहीं आ, आ और ज़्यादा माइनस होगा टेन ट्वेल्व था ना वो वही मिस्टेक हुई थी ट्वेल्व की जगह मैंने टू लिख लिया था भूल से देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने टू लिख दिया था भूल से यहाँ का ट्वेल्व था बोनस एंड छुट्टी तो गाइज वही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन मिस्टेक आप एग्जाम में मत करना हमारा मैच हो रहा है एग्जामिनेशन से आंसर पूरा मैच हुआ आप जो दो बच्चा है वो आपका होमवर्क है आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते सिंपली गाइज डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट को नहीं लेना है एसेट्स लाइबिलिटी को अपन वैसे भी नहीं लेते तो बस उतना हटाना बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके फिंगर टिप में है सो इजी ठीक है गाइज

थर्टी फ्यूल गाइस अपन ने भी ऐड किया है ठीक है देन गाइस और क्या करना है ओवरहेड को ऐड करना है तो इसमें तीनों के ओवरहेड को ऐड कर दिया एंड टैक्सेस एंड अप्रीसी को भी हटाना है ठीक है किसको किसको हटाना है वेजेस को सैलरीज को टैक्स ये सब तो गाइस हमने लिया ही नहीं वैसे भी अपन ने सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड से लिया है गाइस तो अपन को ओवरहेड को ऐड करना है मैं आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ पे ऐड करवा देती हूँ वन सेकेंड हाँ अरे यार, हाँ परफेक्ट देखो ओवरहेड ऐड कर लेते अपन सबसे पहले अपने पास कौन सा ओवरहेड है सिक्स ठीक है अपना फैक्ट्री ओवर हेड ऐड किया मैंने देन अपना है ओवर हेड वन सिक्सटी टू है गाइस वन सिक्सटी एट हुआ टोटल देन अपन को वन ट्वेंटी फोर ऐड करना है तो टू नाइन्टी टू हो गया काफ़ी ज़्यादा ओवर हेड है ना और सैलरीज भी कर, नहीं सैलरीज तो नहीं करनी ओवर ओवर हेड्स छोटा क्या तीन ही तो ओवर हेड है लेट सिकाई का डिफरेंस आ रहा है सिक्स का डिफरेंस आ रहा है कुछ क्लैरिकल मिस्टेक क्या ना क्या मैंने शायद कर सकती हूँ इस एक बार आप लोग भी कर रहे ओवरहेड हेड को ऐड करना, करना है अपन को ओवर है सिक्स ऐड करना है वन सिक्सटी टू में वन सिक्सटी टू में वन सिक्सटी एट हुआ उसमें वन ट्वेंटी फोर का एड करना है वन नाइनटी टू ही आ रहा है आप लोगों का कितना आ रहा है प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो तो गाइस मेरे को पता चल चुका है कि मैं कहाँ गलती कर रही थी गाइस अपन मैंने भूल जा रही थी पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस को गाइस उसको भी आपको इंक्लूड करना है प्लीज़ भूलना मत मैंने भूल मैं को भूल गई थी आप लोग मत भूलना तो गाइज मैं आपको थर्ड वाला करके दिखाते हो आपके सामने सेम अपना आ जाएगा आंसर फोर अपन को प्लस करना है उसमें से ओवर हैड वन फोटी एट एंड वाइज अपन को उसमें ऐड करना है वन जीरो एट प्लस फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस फाइव है इसमें तो अपना आ रहा है टू सिक्सटी फाइव ठीक है और अपना को मत देखो, मैं आपके साथ क्वेश्चन और मैंने गलती भी किया क्यों, क्या, पता है, इसका भी एक है। ताकि ना गाइज आपको एग्जाम में याद आएगा यार मैम ने यहाँ पे गलती किया था तो गाइस आप कभी नहीं भूलोगे आपसे गलती नहीं होगी क्या अभी कभी भी आप पैकिंग फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस को इग्नोर नहीं करोगे मैंने जानपूच के किया था ठीक है गाइज तो ये सब आपको आपको सिखाने के लिए है ठीक है आप अब देख लेते ये अपना सारे एक्सपेंसेस को अपन को ऐड करके सीधा सेल से माइनस करोगे तो वैल्यूडेशन आ जाएगा ठीक है क्लियर हुआ सो so गलती well नहीं करने का तो देखो अपना हो चुका है, मैंने बताया कैसे निकालते वैल्यूडेशन भी मैंने सिखा दिया कैसे निकालते नाउ अभी टर्न है अपने निकालने की कहा गया अब अपन निकालेंगे

सो इजी वर्क नेक्स्ट वाला आप बाकी कर लेना ये validation divided by net sales करा देती मैं कितना, अपना? 271 divided by net sales कितना है इन टू हंड्रेड करोगे तो परसेंटेज में भी आ जाएगा इंटू हंड्रेड देखो मैं फिर गलत करती हूँ हंड्रेड करना है ठीक है uh,

टू क्वेश्चन गाइज एकदम सिमिलर क्वेश्चन है अभी डिस्कस किए थे तो उससे तो आई कैन गिव यू होमवर्क करोगे क्या सेम क्वेश्चन है गाइज मैं आपको ये वाला बता देती हूँ थर्ड पॉइंट ठीक है बाकी दो क्वेश्चन आप करके बताना कमेंट uh, बॉक्स में मुझे बताना अगर कोई भी इशू आ रहा होगा सॉल्व करने में तो आई एल हेल्प आउट ओके अदरवाइज आप कर सकते हो मुझे आपके ऊपर भरोसा है ठीक है आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा ना गाइज पक्का कर लेना प्लीज स्किप मत करना पक्का वीडियो को पॉज करके अभी कर लो ठीक है

कि मैंने आपको बताया है कि नहीं ये रहा अपन फिर से डिस्कस कर लेते हैं देखो अपन को जो क्लेम इस जो लोग क्लेम करने आएंगे उनको अपन को पैसे देने पड़ेंगे ना तो इस में अपन टोटल इनकम को ऐड करते हैं मैंने बताया था आधा ग्राम ठीक है अदर इनकम को ऐड करना एंड देन गाइस जो भी अमाउंट आएगा ना उसको अपन को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना और आंसर हमेशा लास्ट में जीरो आएगा क्योंकि अपन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे ठीक है ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको एक इंसान का एक बॉस का एंड एम्प्लॉय का एंड बाकी लोगों का भी ठीक है तो अपन वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू देखो गाइज आपको सबसे पहले वैल्युडेशन कैलकुलेट करना रहेगा वैल्यूडेशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान है सबसे पहले चलो सात पे ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है ना देखो वेलिडिशन क्या क्या होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा देन फ्यूल होगा स्पेर्स होगा ऑडिट फीस होगा अच्छा क्या क्या, -क्या नहीं होगा अपन को ना पहले तो गाइस ये अदर अदर इनकम को ऐड करना रहेगा लास्ट में याद रखना भूलना नहीं ये लोग भूल जाते अक्सर इसको भूलना नहीं नेट सेल्स तो अपन को नेट सेल्स में से ही माइनस करना है ये सब ठीक है तो नेट सेल्स में से ही माइनस करेंगे तो नेट सेल्स को अपन कर देते हैं अलग कलर से नेट सेल्स तुमसे ही हमको सबको माइनस करना है तो तुम अलग कलर के हो गए अब अपन को अदर इनकम को लास्ट में ऐड करना है वैल्यू एडिशन निकालने के बाद लास्ट में ऐड करते हैं उसको ठीक है तो उसको अलग से लिखा मैंने ऐड में एक्सपोर्ट इंसेंटिव गाइस अपन सेल्स से माइनस करते हैं याद रखना सेल्स से माइनस होगा जैसे कि आप सेल्स लिखोगे ना उसमें से आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव माइनस करना पड़ेगा फिर आपकी नेट सेल्स आएगी ठीक है ठीक है तब आपकी नेट सेल्स आई आएगी तो यहां तक का खानी खत्म हुआ अब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये इसका एडजस्टमेंट रहेगा मैं आपको बताती हूँ आगे पहले अपन वैल्यू देख लेते हैं कैसे करना है ठीक है तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना है ये नहीं लेते क्योंकि इंप्लॉय को देना रहता है ठीक है पावर एंड फ्यूल लेते हैं स्पेट्स लेते हैं अदर ओवर भी लेते हैं फिर ऑडिट फीस भी लेते हैं सैलरी नहीं लेते ओवर लेते हैं फिर अपना सैलरी नहीं लेते

देखो मैंने आपको बताया था कि सेल्स में अपन को इंसेंटिव को ऐड करना होता है ऐड करना होता है ठीक है इंसेंटिव मिला है ना तो मिला है तो वो फायदा हुआ है फायदा को ऐड करते हैं ठीक है ठीके? और अपना एडजस्टमेंट कर देंगे देखो ऐड या माइनस करते अपन को थर्टी को ठीक है सेवन हंड्रेड वन ट्वेंटी प्लस एटी ठीक है और प्लस उसमें थर्टी करेंगे अब आप बोलोगे मैम ऐड क्यों किए तो गाइज यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीज हुआ है हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो फिनिश गुड्स था हमारा वो इंक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ मतलब उसको ऐड करेंगे ज्यादा करेंगे ठीक है इसलिए अपन उसको ऐड कर दिए एडजस्टमेंट इंक्रीज था दैट्स वाई वी हैव एडेड आगे जाके कहीं पे डिक्रीज आएगा तो माइनस करना याद से

हर क्वेश्चन से इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बताने वाली तो गई ध्यान से सुनना आप भूलना मत एग्जाम में पहला तो ये कैच था इंक्रीज है तो ऐड होगा ठीक है दूसरा कैच गई अपना ये कि वर्किंग कैपिटल वाला अपन को लेना है मैंने आपको जैसे कि बताया भूलना नहीं एग्जाम में भूलना नहीं ठीक है ऑडिट फीस को नहीं भूलना ये ये कैचेस जो आप नहीं भूलना है ओवरहेड है? पर दिया बुक वाले ने आप अलग से भी बता सकते हो ओवरहेड में भी ऐड कर सकते हो एज यू विश बट गाइस ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी याद से याद से याद से, से भूलना नहीं ठीक है तो गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ अपन को आगे बढ़ते अपन तो अपना ये हो गया था गाई, सारी चीजें यहाँ तक आ गया था ना अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन तक अपन आ गए थे मैंने आपको बताया था में अपन अदर इनकम को ऐड करते ही शॉर्टकट कर टेक्निक है निकालने का आप एक साथ भी निकाल सकते हो पूरा बट क्यों मेहनत करना वैल्यूडेशन जब निकालने बोला क्वेश्चन वाले तो अदर इनकम ऐड कर दो आ जाएगा अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन का फिर क्लेमिस्ट जो जो लोग क्लेम कर रहे हैं ना हमको पैसे चाहिए हम कंट्रीब्यूट किए थे तो गाइस उनको देना पड़ता है कौन कौन सबसे पहले तो हमारे इंप्लॉयज आते हैं फर्स्ट नंबर पे तो उनको सैलरी दो डायरेक्टर के उनको सैलरी दो शेयर होल्डर को डिविडेंड दो रिटेन अर्निंग गवर्नमेंट को देना है और टैक्स देना है एंड इनकम टैक्स पे करना है अपन को अब बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कुछ नहीं करना है गाइस आपको जो जो भी खट किए थे ना वही वही अमाउंट है देखो शुरू मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले आपने डायरेक्ट डायरेक्ट सैलरी लिया था सिक्स सिक्सटी देख लो यहाँ पर सिक्स सिक्सटी होगा ये देखो सेवन आ, सेवन एक मिनटेज करके दिखा देती मैं सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी ने ऐड करके लिया है सोने देखो कर लेते हैं चलो अपन आपके साथ ही कर लेते हैं कहाँ गया सैलरी है देखो सैलरी सैलरी है ना सिक्स सिक्सटी प्लस करो यहाँ का सैलरी ऐड करो सेवेंटी टू और यहाँ का सैलरी ऐड करो कितना है फिफ्टी फोर कितना 786 आ रहा है सेवन एटी सिक्स आ रहा है देखो मैच हुआ सेवन हंड्रेड एंड फोटीन से सेवेंटी टू मैंने डायरेक्टर की भी ऐड कर दी थी आप डायरेक्टर की अलग कर देना क्योंकि भाई जहाँ पे अलग से मेंशन है ना क्वेश्चन में मेंशन है करके आपको अलग करना है नहीं दिया रहता तो नहीं करते तो चलता यहाँ पे देखो लिखा है टू डायरेक्टर तो भाई सेवेंटी टू मैंने ऐड कर दिया था मैं आपको दिखा देती हुई देखो सेवेंटी टू मैंने ऐड कर दिया था दैट्स व मेरा आंसर डिफरेंस आ रहा था तो मैंने उसको हटा दिया तो अब परफेक्ट आ रहा है आई होप आपका भी परफेक्ट आएगा डायरेक्टर का अलग करके लिखना फिर नेक्स्ट लाइन में डायरेक्टर का अलग से लिखना ठीक है कहाँ क्या डायरेक्टर ये देखो गाइज नेक्स्ट में अपना डायरेक्टर का अलग से दिया इसमें अब अपन देखते हैं नेक्स्ट शेयर होल्डर को डिविडेंड देना मैम कैसे पता चला डिविडेंड देना गाइस देखो लिखा डिविडेंड पे किया उसी को छाप देना डीडीटी पे पे किया टैक्स पे किया छाप देना अब जो किया पे मैं हम क्या करें कर दो उसमें ऐड ठीक है तो अपना ये छाप दिया अपन ने एंड देन डिविडेंड प्रिंट आउट मार दिए सेवेंटी टू अपना मैंने आपको बता दिया ये सेवन फोर्टीन मैंने आपको बताया है ठीक है इस कंपनी ने रिटेन अर्निंग किया इंक्लूडिंग ये कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दो सेकंड में बताऊंगी पहले अपन इनकम टैक्स निकाल लेते हैं फोर सेवेंटी फोर का जो कि हमको गिवन है देख लो ठीक है जो गिवन है उसको लिख देंगे तो ये अपना फोर सेवेंटी देखो गाइस सारे अमाउंट आ चुके सिर्फ और सिर्फ अपना ये नहीं आया तो गाइस मैं आपको बता दूं अब मैंने आपको एक एक चीज बताई थी कि लास्ट में आंसर हमारा जीरो होना चाहिए तो ये ट्रिक अपने साथ है। हमारे पैसे तो आप उनको दे दिए कितना दिए सेवन हंड्रेड एंड फोर्टीन टू एट टू फोर माइनस करोगे सेवन फोर्टीन उसमें गाइज माइनस करोगे सेवेंटी टू उसमें माइनस करोगे सिक्स थर्टी उसमें माइनस करोगे आप वन हंड्रेड एंड टेन फिर माइनस करना फोर सेवन फोर कितना आ रहा है उसके फिर अपना इंटरेस्ट भी तो गाइस मैं भूल गई थी इंटरेस्ट फोर्टी फाइव और वन थर्टी फाइव गिवन है देखो यहाँ पे गिवन है इंटरेस्ट भी तो दोगे ना दोनों को इंटरेस्ट दोगे तो उसको माइनस मैं मैं करना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट दे दिए प्लस नहीं माइनस होगा माइनस करोगे 135 को और माइनस करोगे आप किसको 45 को कितना बच रहा है 644 बच रहा है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक फिर किया मैंने 32 का क्या मिस्टेक लेट मी चेक तो गाइज यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की थी हमेशा की तरह कैल क्लैरिकल मिस्टेक आप लोग मत करना इंटरेस्ट पार्ट मैं भूल गई थी इंटरेस्ट पार्ट तो अपन माइनस करेंगे ही ना यहाँ पे दिया है गाइज उसी को माइनस कर देना तो अपना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर ये अपना बैलेंसिंग फिगर रहेगा याद रखना रिटेनिंग अर्निंग ऑलवेज भी बैलेंसिंग फिगर तो देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है ना तो अपन वो सब बाकी चीज़ माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा अपना ठीक है देख सकते गाइज मैंने माइनस किया है यहाँ से देखो एट एट टू एट फाइव सिक्स से अपन माइनस करते गए लाइन से तो अपना को आ गया है ठीक है आंसर सिक्स सिक्स सेवन सिक्स आ गया है तो गाइस इस तरफ का आपका होमवर्क है पक्का से कर लेना ठीक है गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अपन जो की है रिकंसलेशन स्टेटमेंट ऑलवेज फेवरेट कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है बट गाइस ऐसे टू सेकेंड्स में हो गई तो कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम यस मैम सबसे पहले गाइस अपन को हाथ करना है रेडी ठीक है हाथ हो गया रेडी अपन को फाइनेंस का प्रॉफिट ऊपर रखना है तो गाइस फाइनेंस का प्रॉफिट मैंने ये माना है तो मैं इसी को हमेशा चेक करूंगी ठीक है चलो ध्यान से देखना सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि अपना ओपनिंग में सेमी फिनिश गुड्स था इतने का और कॉस्ट में इतने का था ठीक है फिनिश गुड्स इसका इतना था, है, था, है, था है। अरे बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है जो दोनों फिगर दिए गए हमको ध्यान नहीं देना है हमको कोई मतलब भी नहीं है अपन को सिर्फ और सिर्फ ना देखो प्रॉफिट लेना है ठीक है किसका दिया प्रॉफिट फाइनेंस का प्रॉफिट दिया इसको ऊपर लिख दो बस ठीक है जैसे आंसर में लिखा है ठीक है देन अपन एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ से एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो देखो भाई सबसे पहले क्या दिया हुआ है सबसिडरी मिली अपन को ट्रांसपोर्टेशन में

इतनी जल्दी तो नहीं बोले होंगे ना देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे कॉस्टिंग का वर्किंग नोट से बता रहे हैं वर्किंग नोट गिवन है देखो देखो ये वाला अमाउंट अपने थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड और इतना था और ओपनिंग इसमें इतना था और इसमें क्लोजिंग में डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस और इसमें भी डिफरेंस है ठीक है तो आ, ये दो देखो ये अपना ओपनिंग हो गया और ये अपना क्लोजिंग क्लोजिंग हो गया फाइनेंस का का और कॉस्ट भी ओपनिंग लेके डिफरेंस निकाल लेना इतना काम कर लो गया आप। देखो वही तो किया है सेम सेम चीज दोनों दोनों को ऐड करना है गाइस आपको और यहाँ पर क्लोजिंग का निकालना है। ये क्लोजिंग हो गया ये आपका ओपनिंग हो गया दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका वेरिएशन आ जाएगा इन्वेंट्री में ठीक है इन्वेंट्री में देखो फाइनेंस में आपका इन्वेंटरी में जो वेरिएशन है वो ज्यादा है।, हाँ है और कॉस्ट में कम है ठीक है क्लियर होगा इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है मैं फिर से बता दूं क्या देखो गाइस कुछ नहीं करना है वेरी वेरी इजी आपको क्या करना है ना बस ये जो दोनों को ऐड करना

क्या बोलते हो कि स्टडी का किसाइस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई होप गाइस आपने देखा होगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर अपना है नाइन तक कितना होमवर्क लोगे बताओ एक और एक क्वेश्चन और करवा देती गाइस फिर अपन का होमवर्क है बाकी आप लोग कर लेना खुद से तो क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया कि ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड थी जिसका प्रॉफिट दिया हुआ हमको ठीक है बहुत बढ़िया हमको प्रॉफिट किसका दिया ये बता दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये प्रॉफिट अपना फाइनेंस का गिवन है ठीक है गाइस कैसे पता चला क्योंकि लिखा ना प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना था मतलब ये अपना फाइनेंशियल अकाउंट से निकाल के दिया हुआ है ऐसा लग रहा है देख के तो गाइस ये अपना फाइनेंशियल का प्रॉफिट आप देखो ओल्ड मशीनरी जिसका नेट वैल्यू इतना था उसको सोल्ड किया इतने में तो गाइस आप दिमाग लगा के मुझे बताओ कि असली में पैसा कितना आ, कम ज्यादा हुआ होगा कोई मशीन का बुक वैल्यू अपना छः हजार बेच थाउजेंड थ्री हंड्रेड पे तो आपको जरूरत पड़ेगा कैलकुलेटर का का तो देखो इतने सामान था सॉरी इतने में सेल हुआ जो सामान हमारा इतने का था तो कितना डिफरेंस आ रहा है दो लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड का डिफरेंस आ रहा है तो आपको नहीं लगता हमारा सामान प्रॉफिट में गया है तो मैम प्रॉफिट में गया है ना तो प्रॉफिट में ये फाइनेंशियल है और ये कॉस्ट है तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट प्रॉफिट से तो तो सेम टू लैस सेवेंटी क्लियर हुआ होगा ठीक है एटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड की फाइनेंशियल के प्रॉफिट में डिविडेंड इनकम रिसीव हुई थी प्रॉफिट ज्यादा हो गया था अब इसको माइनस करके काम कर देंगे ठीक है देखो गाइस ठीक है चलते अपन नेक्स्ट में देख लेते अपन क्या अपना हैं सी एस आर कमिटमेंट एक एक्सपेंसेस होते हैं हमारे फाइनेंस में एक्सपेंस हुआ था हमारा प्रॉफिट कम हो गया हमको प्रॉफिट ज्यादा लाना है तो क्या करोगे एड सी एस आर कॉन्ट्रीब्यूशन एड हो गया ठीक हैंड्रेड एंड वॉज सेल इतना एंड इनकट एक्सपेंसिस तो वैसे कुछ नहीं करना घबराना नहीं बड़ी लाइन देख के देखो आपको क्या करना है सेल कितना गया थर्टीन फोर टू थ्री थर्टीन फोर टू थ्री जीरो जीरो में ठीक है सेल किया और खर्चा भी किया तो खर्चा को क्या करोगे माइनस फोर जीरो एट ठीक है और उसका परचेज कितने में गए थे तो गाइस ये अपना अमाउंट आ गया ठीक है फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो गाइस जो अपना फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ना वो अपने को ट्रेडिंग में माइनस में आ रहा है मतलब लॉस है लॉस हुआ अपने को फाइनेंस में तो हमारा प्रॉफिट फाइनेंस का कम हो गया था लॉस की वजह से अब अपन को बराबर चाहिए तो क्या करोगे एड ठीक है तो ऐड हो गया देखो

ठीक है तो बैलेंस कितना बच रहा है तो इसको माइनस कर देंगे अपन इसके ओरिजिनल अमाउंट से तो अपना आ जाएगा सिक्स थाउजेंड सॉरी है वो अपना आ गया रेनोवेशन का एक्सपेंसेस जो कि अपन को एडवर्टाइज करना है आगे के सालों पे तो भाई इसको अपन रिकनसिलेशन स्टेटमेंट से ठीक करेंगे तो आप सोचो कि कोई रिनोवेशन का खर्चा था जिसकी वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया था अब जो प्रॉफिट कम हो चुका है उसको अपन को बराबर लाना है उसको एड कर देंगे तो बराबर आ जाएगा तो ऐड कर दिएगा इस ठीक है देन अपना लास्ट पॉइंट क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल था मतलब जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री था गाइज हमेशा याद रखनाट्री इधर आता है प्रॉफिट इधर आता है तो अगर ये ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है ये कम होता है तो प्रॉफिट कम होता है याद रखना हमेशा तो क्या बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कम है जिसकी वजह से मतलब मान लो आप कि अगर ये कम है तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा ठीक है याद रखना एंड एंड दैट फिनिश गुड्स वॉज ओवर वैल्यूड बाई इतना अब अपन को फिनिश गुड्स जो फाइनेंस में ना वो ज्यादा है बोल रहा है मतलब ओवर वैल्यू मतलब इतना से ज्यादा हो गया अगर फाइनेंस का प्रॉफिट इतने से ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो अपन को बताना है कि कॉस्ट का प्रॉफिट कितना होना चाहिए मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछे कि कॉस्ट का प्रॉफिट कितना होना चाहिए कुछ नहीं गाइस इजी रखो क्या करना है मैं बताती बताते देखो डिफरेंस ले लेंगे अपन ओवर वैल्यूएशन का और अंडर वैल्यूएशन का तो गाइस डिफरेंस आ गया थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड का अब जो डिफरेंस है उस अपन को कैसे पता चलेगा कि माइनस करना है कि प्लस करना है ठीक है आप यही सोच रहे हो कि मैम माइनस करें प्लस करें कैसे पता चला तो आप गाइस ध्यान से देखो कि ओवर वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा है मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा था ठीक है और हमारा जो क्लोजिंग का प्रॉफिट वो थोड़ा कम हुआ था तो अभी भी जो डिफरेंस है जो डिफरेंस है वो कितने का है मतलब ऐसे सोचो आप कि देखो ये अपना दोनों हाथ है ये कॉस्टिंग है और ये फाइनेंस है ठीक है अब आपका बोल रहा है ये मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब क्लोजिंग की कोई भी चीज़ ज्यादा दिखाएगी ना तो याद रखना प्रॉफिट भी ज्यादा है और अगर क्लोजिंग की कोई भी चीज कम दिखाएगी तो याद रखना प्रॉफिट भी कम है तो आप सोचो कि हमारा अभी जो क्लोजिंग का बोल रहा है अंडर वैल्यूएशन है अंडर वैल्यूएशन अपना कम से हुआ है और ओवर वैल्यूएशन ज्यादा से हुआ है ठीक है गाइस तो अपना जो ये इतना डिफरेंस आ रहा है ये जो डिफरेंस है थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड का वो अभी भी ज्यादा वाले का है ठीक है इसी पोर्शन का बचा हुआ है ना इसी का आधा बचा हुआ है ना तो गाइस अभी भी हमारा प्रॉफिट ना देखो जैसे कि समझ लो कि आप पांच चॉकलेट में से खरीदे और तीन चॉकलेट मुझे बेच दिए तो अभी दो चॉकलेट बच रही ना दो चॉकलेट बच रही ना ऐसा बच रहा है ना अभी भी तो ये जो पार्ट है ये बच रहा है तो इसलिए गाइस इसको माइनस करके बराबर कर देंगे ठीक है ये पूरा इतना ज्यादा ये सिक्सटी फाइव थाउजेंड इतना था आपने ट्वेंटी नाइन करके इतना लाया है अभी भी इनका बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस करोगे तब तो बराबर आएगा ना आई होप गाइस मैंने अभी तीन एग्जांपल दिया आपको क्लियर हो होगा कि माइनस क्यों कर रहे हैं इसको और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसी के साथ गाइज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ जिस चैप्टर खत्म होता है गाइज जितने भी क्वेश्चन बच्चे हैं आपके लिए होमवर्क है वो कहीं पर भी कुछ डाउट लगेगा गाइज तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल भी अपना ठीक है तो आप पूछ सकते हो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं मैंने आपको बताया कौनसेप्ट क्लियर रहने से सब क्लियर हो जाता है गाइस ज्यादा कुछ है नहीं और केस स्टडी मैंने डिस्कस कर ला, ला है इसी के साथ गाइज हमने वर्क बुक और स्कैनर भी कवर किया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल